दोस्तों आप लोग जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं या फिर आप लोग जिस भी फील्ड में पढ़ाई करते हैं दोस्तों, अगर आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी है तो दोस्तों आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बिना वॉइस ओवर बिना वीडियो अपलोड की दोस्तों आप लोग कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके मत करिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त रजत चौधरी, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रजत के ड्राइवर, सब्सक्राइब करें बेल आइकन ऑन करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोग करना है दोस्तों, आपको किताबें लिखना है। दोस्तों कई कमेंट होगा या फिर दोस्तों कई सवाल होगा कि हम तो लिखे खाए नहीं, हम लोग किताबें कैसे लिखे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर वाला दोस्तों किताबें नहीं लिखना है, दोस्तों आपको ई बुक लिखना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ई बुक होता क्या है। दोस्तों आप सभी जो किताबें पढ़ते हैं उसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोस्तों जो रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप दोस्तों, उसे हम लोग ई बुक कहते हैं। इस तरह के दोस्तों हम लोग मोबाइल पर किसी भी चीज़ को दोस्तों जानकारी को पढ़ते हैं उसे हम लोग ई बुक कहते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ कि जिस भी टॉपिक पर आपको अच्छी जानकारी है आप लोग दोस्तों उसके बारे में 30 से 40 पेज दोस्तों आप लोग लिख ले, उसके बाद उसको आप लोग PDF के रूप में कन्वर्ट कर ले। अब दोस्तों आपको जानकारी हो गया कि आप लोग को ई बुक किसे कहते हैं। दोस्तों कई लोगों का सवाल होगा कि हम लोग किस भाषा में ई बुक को लिखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस भी भाषा में आपको अच्छी पकड़ है दोस्तों उसमें आप लोग लिख सकते हैं ई बुक को। अब दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ई बुक का दोस्तों जमाना चल रहा है। आप लोग दोस्तों ऑनलाइन क्लासें करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो दोस्तों आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। इससे आप अपनी किताबें को सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों कि आप लोग ई बुक को एक बार तैयार करने के बाद दोस्तों आप लोग लाइफ टाइम पर दोस्तों अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आपका ई बुक तैयार हो चुका है, अब आपको अपने ई बुक को बेचना है, आप कहाँ पर बेच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेजॉन किंडल पर आप लोग अपने ई बुक को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों अमेजॉन एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है दोस्तों, और अमेजॉन किंडल एक अमेजॉन का प्रोडक्ट है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने ई बुक को अमेजॉन किंडल पर बेचते हैं दोस्तों या फिर पब्लिश करते हैं दोस्तों, आपको अमेजॉन किंडल की तरफ से आपको कितनी पेमेंट मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि अमेजॉन किंडल 30% अपने पास रख लेगा आपके बुक के प्राइस का, और दोस्तों 70% आपको दे देगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इससे आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं महीने की। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई लोग दोस्तों ऐसे हैं जो ईबुक के जरिए दोस्तों 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हैं। दोस्तों ऐसे मैं मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ऑन करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।